हेलो गाइस, दिस इज कुशाग्र। वेलकम टू कुशाग्र सेंटर फॉर एक्सलेंस। सो गाइस, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 टू 12 इंग्लिश ग्रामर। क्लास 6 से लेकर 12 के 12 तक हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो इंग्लिश ग्रामर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? अब क्या होता है प्रोनाउन? सो अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन के बारे में हमने पढ़ा, पर इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन क्या है? एक वर्ड है जो नाउन की जगह पर यूज होता है, इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि नाउन के प्लेस पर, यानी कि नाउन के जगह पर यूज होता है। अब जैसे एक नाम है, राम इज ए बॉय। अब राम इज ए बॉय की जगह, राम की जगह मान लिया हमने क्या लगा दिया कि ही इज ए बॉय। सो इसमें क्या हो गया, हमने राम की जगह, राम क्या था? एक नाउन। इसकी जगह क्या लगा दिया हमने? ही लगा दिया। सो ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन लगा दिया हमने, ही इज ए बॉय। अब ये हो गया, ही इज ए बॉय। अब ये क्लियर हो गया। इसकी जगह क्या करा हमने? नाउन की जगह पर ही को यूज करके हमने क्या कर दिया? प्रोनाउन लगा दिया, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काउंट्स ऑफ प्रोनाउन, फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं जैसे ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब इसमें ये जो जितने भी वर्ड होते हैं ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसके 3% होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसके क्या होते हैं? 3% होते हैं, उसके 3% होते हैं। 3% कौन से होते हैं? एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। एक होता है थर्ड पर्सन, राइट? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, राइट? ये 3% होते हैं किसके? पर्सनल प्रोनाउन के। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, राइट? क्लियर हो गया। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन यानी कि जो पर्सन बोल रहा होता है, जो पर्सन बोल रहा होता है और जिससे बोल रहा होता है वो होता है सेकंड पर्सन। यानी कि जो पर्सन बोल रहा होता है फर्स्ट पर्सन होता है, यानी कि द पर्सन स्पीक, और सेकंड पर्सन द पर्सन स्पोकन टू, यानी कि जिससे बोल रहा है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो पर्सन थर्ड पर्सन होता है। अब थर्ड पर्सन होता है द पर्सन स्पोकन ऑफ, यानी कि जिस पर्सन के बारे में कहा जाता है, ठीक है। सो तीनों पर्सन क्लियर हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये क्या था? पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया। इसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? अब चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ना, इसमें ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है सो उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं सो इसमें क्या होता है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, कोई सिंगुलर होता है, सिंगुलर जो होता है, और जो प्लूरल होता है, प्लूरल जो होता है। अब सिंगुलर जो होता है और प्लूरल जो होता है, सिंगुलर में क्या होता है? सिंगुलर में सेल्फ लगता है इसमें, क्या? सेल्फ। और प्लूरल में जो लगता है वो क्या लगता है? सेल्फ्स लगता है, सेल्फ्स। सिंगुलर में सेल्फ लगता है और प्लूरल में क्या लगता है? सेल्फ्स, राइट? अब सेल्फ, अब मान लिया कि एक सेंटेंस लेते हैं, आई हर्ट myself, ठीक है। ये क्या हो गया? I hurt myself। इसमें क्या है कि यहाँ पे I hurt myself, यहाँ पे क्या करा? सब्जेक्ट ने एक्शन करा और my से हमने क्या बना दिया? myself। अब ये सिंगुलर था I, ठीक है, तो हमने self लगा कर क्या लगा दिया? myself। अब मान लिया एक सेंटेंस छोड़ देते हैं, they hurt themselves। अब देम सेल्फ क्यों आया? यहाँ सेल्फ किसने आया था? क्योंकि आई क्या था? सिंगुलर। अब इसमें दे क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए क्या आ गया? देम सेल्फ आ गया, राइट? अब ये क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। अब इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? ये भी इसकी तरह होता है, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ही तरह होता है, पर इसमें क्या करता है? सब्जेक्ट एक्शन करता है, सब्जेक्ट क्या करता है? एक्शन करता है। पर इसमें इम्फेटिक में क्या बताता है? एम्फेसिस, उसके सब्जेक्ट के जो जितने भी एम्फेसिस होते हैं वो बता
बताता है एम्फेसिस जितने भी होते हैं सब्जेक्ट के, राइट। अब एम्फेसिस बताता है, राइट। और जैसे एक हमने मान लिया, एक एग्जांपल लिया, आई डू इट और सेल्फ। अब इसमें भी आई आ रहा है, पर यहाँ और सेल्फ क्यों लगा? क्योंकि ये क्या है, जो सब्जेक्ट है इसका एम्फेसिस बताया उन्होंने, क्या एम्फेसिस, तो अवर आ गया। अब आई क्या था, सिंगुलर, इसलिए हमने सेल्फ लगा दिया, राइट। क्लियर हो गया? मतलब ये याद रखना है आपको, इंफेटिव और रिफ्लेक्सिव में सेल्फ और सेल्फ दोनों ही लगते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? क्या होता है? अब ये जो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें जो ये वो प्रोनाउन होते हैं, जैसे लाइक दीज, जैसे दिस, मान लिया दिस, दिस क्या सिंगुलर में लगता है, और दीज, दीज प्लूरल में लगता है, डेट, दोस, ये सब जिसमें आते हैं, डेट, डेट, दोस, ये सब जिसमें आते हैं, किसमें आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं हमारे, ठीक है। अब दिस, दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन, ये हो गया, मान लिया दिस इज माय पेन। सो इसमें क्या है, दिस क्या है, सिंगुलर है, और दिस सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज लग गया है, ठीक है। पर और दिस ही क्या है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब मान लिया एक एग्जांपल और लेते हैं, दीज आर माय पेंस, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ आर क्यों लगा, क्योंकि क्या है, ये प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, आर लग गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ये किसमें आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अब इंडेफिनेट, इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन में वो वर्ड्स आते हैं, जैसे समबडी। अब इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं जैसे समबडी होता है, समबडी, अब मान लिया समबडी आ गया, समबडी, समबडी नोबडी, समबडी नोबडी, सम, नन, वन, ये सब जितने भी आते हैं, ये सब जितने भी वर्ड्स जो आते हैं, ये किसके लिए यूज होते हैं, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन में यूज होते हैं, ठीक है। इंडेफिनेट प्रोनाउन के एग्जांपल हैं जितने भी हैं, राइट। अब एक सेंटेंस लिया, मान लिया हमने सेंटेंस लेते हैं, समबडी स्टोलन, स्टोलन माय वॉच। अब क्या, somebody stolen my watch, अब इसमें somebody क्या है, indefinite pronoun। अब somebody है, कोई नाम तो नहीं दे रखा, तो नाम की जगह पे ये यूज हो गया somebody, राइट। अब ये क्लियर हो गया, indefinite pronoun क्या होता है। अब indefinite pronoun के बाद आता है हमारा relative pronoun। relative pronoun क्या होता है, relative pronoun क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं। अब relative pronoun में क्या होता है, जो दो sentences होते हैं, दो sentences को जोड़ने का काम करता है। अब जैसे आई है, I have, इसमें देखिए, I have found the pen, I have found the pen, I have found the pen, एक सेंटेंस तो ये हो गया, I lost the pen, I lost the pen, I lost the pen, एक सेंटेंस ये हो गया। दो सेंटेंस, अब सेंटेंस को जोड़ने के लिए कौन कौन से, क्या क्या, कौन कौन से प्रोनाउन काम आते हैं। अब इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आता है, आई हैव फाउंड द पेन हु हैड लॉस्ट द पेन, ठीक है, ये हो गया। क्या, आई हैव फाउंड अ पेन, उसे पेन तो मिला, हु हैड लॉस्ट द पेन, जो उसने खोया था, ठीक है। अब दो सेंटेंस को जोड़ दिया, पर यहाँ पे क्या थे, अलग अलग थे, तो ये वो क्या हो गया, वो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या आता है, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, ये इनर वर्ड्स को बताता है, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है, ईच आइदर नाइदर, नाइदर जैसे जो वर्ड होते हैं इन्हें बताता है। अब ईच आइदर नाइदर, जिस ये जो वर्ड आते हैं, ये किसमें आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ईच आइदर नाइदर, जिसमें भी, या नन
नन, नॉर, और ये सब जिसमें भी वर्ड आते हैं, नॉर और ये वाले सब वर्ड जिसमें भी आते हैं, सो उन्हें क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जो है लास्ट प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये प्रोनाउन जो होता है ये क्वेश्चन पूछने के लिए काम किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस मान लिया, व्हाट इज योर नेम, पूछते हैं ना आप किसी से, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं आप एक दूसरे से अपने, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्वेश्चन पूछे हैं तो इसमें क्या है, व्हाट एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, राइट? क्लियर हो गया अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? सो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने पढ़ा प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस करा। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सब, बाय।